नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ भारत 24 में आपका स्वागत है। जिला सोनीपत के टेहा गांव में कार्यक्रम प्रबंधक मुकेश कुमार अंतिल, जिला कार्यक्रम प्रबंधक अजय कुमार एवं समन्वय प्रबंधक विनोद कुमार आदि की मौजूदगी में हरियाणा राज्य की ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को महामारी के बारे में जागरूक किया गया। इस दौरान लगभग 65 से अधिक महिलाएँ वहाँ मौजूद रही, जिनको कोरोना का टीकाकरण के बारे में अवगत कराया गया। खंड कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा बताया गया कि खंड में कुल 53 ग्राम आते हैं, जिनमें से प्रतिदिन कोरोना महामारी के बारे में जागरूक किया जाता है, जिनमें से 41 ग्राम पंचायतों में हरियाणा राज्य की आजीविका समूह मिशन के तहत महिलाएं कार्य कर रही हैं। अब तक 29 पंचायतों में प्रशिक्षण दिए जा चुके हैं। नमस्कार, मैं अजय कुमार हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से हूं। आज हम टेहा गांव में हैं। यहाँ हमने प्रोग्राम रखा हुआ है कि जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं उनको कोरोना से बचाव और टीकाकरण के लिए जागरूक हमने प्रोग्राम रखा हुआ है, जिसके अंदर इनको बताया गया है कि जो टीकाकरण को लेकर अफवाहें चल रही हैं उनसे कैसे इनको दूर रहना है और टीकाकरण अपना और अपने परिवार का जरूर करवाना है। इसके अलावा इनको ये भी बताया गया कि जो जानकारी इनको मिली है, इनके अलावा इनके समूह के जो और सदस्य हैं, हर एक ग्रुप में 10-10 सदस्य हमारे रहते हैं, तो इनके अलावा अभी जो इनके 70-80% मेंबर और रह गए हैं, इनको बताया गया कि जो जागरूकता जो जानकारी इनको दी गई है वो अपने बाकी सदस्यों को भी दें, ताकि पूरे गांव में टीकाकरण इनके थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और इस बीमारी से बचाव। सोनीपत में लगभग हमारे 200 गांव हैं जहां हमारे स्वयं सहायता समूह इस टाइम पर कार्यरत हैं। तो हमारे जो ब्लॉक स्तर पर जो हमारा स्टाफ है वो प्रतिदिन एक गाँव में जा रहा है और जागरूकता कर रहा है, तो इस तरह से हम लोग अपना अभियान चला रहे हैं। विश्वास स्टाफ का जो बना हुआ है महिलाओं के आपस में हमारा जो विश्वास है उसको लेके जब हम जाते हैं अफवाहों को बताते हैं किस तरह की अफवाहें चल रही हैं, ये लोग भी हमारे से पूछते हैं कि किस तरह की अफवाह चल रही है, क्या ये सच है, तो जो भ्रांति फैली है इसको जब हम दूर करते हैं तो महिलाओं का टीकाकरण को लेकर जब मतलब रुझाव जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, शुक्रिया।